राजस्थान में फिर एक ब्यूरोक्रेट एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है। राजस्थान के सीनियर आईएएस और कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर एसीबी ने जयपुर, दौसा और कोटा में छापे मारे हैं। इन छापों के साथ ही राजेंद्र विजय को सरकार ने एपीओ भी कर दिया है। ऐसे में चर्चा यही है कि सियासत भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, साथ ही उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स को एक संदेश भी दे दिया गया है कि गड़बड़ी करेंगे तो एक्शन भी जल्दी होगा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान के सीनियर आईएएस और कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय एसीबी के निशाने पर है। कोटा, दौसा और जयपुर में छापे मारे गए हैं। उनसे कोटा के सर्किट हाउस में पूछताछ हो रही है। उनके दौसा स्थित घर को सील कर दिया गया है। आईएएस राजेंद्र विजय कोटा जिले के संभागीय आयुक्त हैं और फिलहाल कोटा के सर्किट हाउस में रह रहे हैं। एसीबी के सीनियर अधिकारी सर्किट हाउस सुबह पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ जारी है। एसीबी की एक टीम संभागीय आयुक्त के दफ्तर में भी मौजूद है। कार्यालय खुलने से करीब 3 घंटे पहले ही एसीबी ने संभागीय आयुक्त का दफ्तर खोला और सर्च की कार्रवाई शुरू की। कोटा में उन्हें सिविल लाइंस का बंगला नंबर KR4 अलॉट हो चुका है, लेकिन अभी तक वे बंगले में शिफ्ट नहीं हुए हैं। आईएएस राजेंद्र विजय प्रमोटी आईएएस हैं। उन्हें वर्ष 2010 का बैच मिला था। 7 दिन पहले ही 25 सितंबर को उन्होंने कोटा संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया था। 17 दिन पहले उनका ट्रांसफर राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के पद पर किया गया था, लेकिन 22 सितंबर को जब दोबारा से लिस्ट आई तो उनका ट्रांसफर कोटा का संभागीय आयुक्त के पद पर किया गया। इसके पहले वे करीब 8 महीने तक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं। जब एसीबी ने उनके सभी ठिकानों पर रेड मारी, उस वक्त बताया जा रहा है कि वो कोटा सर्किट हाउस में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। साथ ही स्थानीय अधिकारी को भी बुलाया हुआ था, जिन्हें महात्मा गांधी की जयंती कार्यक्रम में जाने से पहले अपडेट देनी थी। इसके साथ ही राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में राजस्थान सरकार ने राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया गया है। राजस्थान में ब्यूरोक्रेट पर हुए इस एक्शन के बाद बड़ी चर्चाएं भी हैं कि क्या इस पूरे मसले पर राजनीतिक तौर पर भी कोई इनपुट शामिल है, क्योंकि कोटा ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है, ओम बिरला कद्दावर राजनेता है और राजस्थान की राजनीति में पूरा दखल भी रखते हैं। इस बीच कोटा संभागीय आयुक्त के सर्किट हाउस में एसीबी के पहुंचने, तुरंत एपीओ करने और सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेट्स को मैसेज देने की इस कवायद को पॉजिटिव नजरिए से भी देखा जा रहा है कि इससे राजस्थान में सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लग सकेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय के अनुसार उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायत मिली हुई थी। इस मामले में न्यायालय के जरिए सर्च वारंट लिया गया। इसके आधार पर आज जांच शुरू हुई। उससे पहले ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने पूरा फीडबैक लिया था और सुबह 6 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसकी मॉनिटरिंग खुद एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा कर रहे हैं। सभी टीमों को एक दिन पहले ही ब्रीफ कर दिया गया था। सुबह होते ही छापेमारी की गई। बीते कांग्रेस शासनकाल में राजेंद्र विजय 1 साल तक 12 जिले के कलेक्टर पद पर रहे थे। उन्हें जनवरी 2021 में 12 जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। 12 जिले में 25 दिन तक कलेक्टर का पद खाली था, क्योंकि इससे पहले कलेक्टर इंद्र सिंह राव को 9 दिसंबर 2020 को एसीबी ने ही रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने 1 वर्ष बाद उनका तबादला किया। हाड़ौती में उनकी पहली पोस्टिंग की थी, उसके बाद कोटा में डीसी के पद पर उनकी दूसरी पोस्टिंग हुई। एसीबी टीम फिलहाल सर्किट हाउस पर मौजूद है, जांच पड़ताल जारी है। संभागीय आयुक्त के सरकारी आवास पर भी टीम को भेजा है, लेकिन वहां भी शिफ्ट नहीं हुए हैं। उनके ऑफिस की जांच पड़ताल भी की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी जांच शुरू हुई है, इसकी 3 टीमें पूरे मामले में कोटा में पड़ताल कर रही है। ज्यादा जानकारी सीधे मुख्यालय से मिल सकती है। राजेंद्र विजय के आय से अधिक संपत्ति के मामले में कई शिकायतें मिली है। उनकी राजनीतिक तौर पर भी कई स्थानों पर मौजूदगी चर्चा में रही। हालांकि सरकारी तौर पर राजेंद्र विजय अभी एपीओ किए गए हैं, लेकिन विभागीय और सरकारी सूत्र बताते हैं कि इस मामले में सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। नमस्कार।